भाई सभी भाई बहनों को और भक्तजनों को सुनील भैया जी की तरफ से प्रणाम। जय श्री माँ सभी को, जय श्री देव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारी जल्दी ही अभी साधना भी कंप्लीट होने वाली है और मैं आप सभी के लिए एक शुभ समाचार लेके आया हूँ कि हमारे यहाँ धाम के अंदर भंडारा होगा। ठीक है, भंडारा कितनी तारीख को? 18 अप्रैल को है और मैंने एक बैनर टाइप से भी बना के सभी के पास भेज दिया था। और फिर से मैं एक बार वीडियो के माध्यम से एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपको कैसे आना है, क्या लेके आना है। ठीक है, तो 18 अप्रैल को भंडारा है। कहने का मतलब ये है, टाइम फिक्स है, 18 तारीख को 10 बजे तक पहुँचना है सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, 18 अप्रैल को भंडारा है महाकाल जी का, और चाहे किसी का लगा लो उसके अंदर, चाहे कोई भी देवी देवता है तो सभी का वो भंडारा हो गया उसी के अंदर। ठीक है, भगवान शिव का। तो 18 अप्रैल को भंडारा है मॉर्निंग में, 10 बजे तक आपको पहुंचना है मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में आपको 10 बजे तक पहुंचना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बाबा बालकनाथ जी का भोग लगेगा रोड का। ठीक है, दूसरा बाबा बालकनाथ जी का केक भी कटेगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को 10 बजे तक पहुंचना है, ताकि अगर आप 10 बजे तक पहुंचोगे तब जाके आप 10:30 बजे तक केक काटेंगे। केक काटने के बाद में भोग लगेगा बाबा बालकनाथ जी का रोड का, और उसके बाद में फिर भंडारा स्टार्ट होगा। भंडारा जैसे जैसे हम धीरे धीरे भंडारे से मतलब भंडारे से छूटते रहेंगे और धीरे धीरे फिर जो बंदों को जो जितनी भी समस्या बची हुई है, ठीक है, फिर उनके ऊपर शक्तिपात भी होगा, यानी हर बंदे के ऊपर शक्तिपात होगा। ठीक है, तो कोई भी मतलब किसी को ये नहीं है कि भाई नहीं होगा, सभी को होगा शक्तिपात। शक्तिपात के अंदर मतलब जैसे कि भाई जिसकी जो सिद्धि वगैरह अगर किसी की नहीं आई, जैसे कि रुकी हुई है किसी भी समस्या से या नेगेटिविटी से, तो वो सिद्धि उसकी वापस आएगी। दूसरा, अगर किसी ने अच्छे से भक्ति कर रखी है और कोई छोटी मोटी अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से अगर उसको कोई समस्या है तो वो भी उसकी ख़त्म करेंगे। दूसरा, जिन जिन बंदों ने जैसे कि जो भी मेरे चेले वगैरह जो भी हुए हैं, ठीक है, तो जिन्होंने मेरी गाइडलाइंस के हिसाब से जिन्होंने शिव चालीसा का पाठ किया है, उसकी उपासना की है शिव चालीसा भगवान शिव की, तो उसकी शक्ति मैं जागृत करूँगा और उनकी सिद्धियाँ मैं उनको, कहने का मतलब ये है, उनको फील करवा के, उनको बिल्कुल फील करवा के फिर उनको जो भी उनके साथ गण मतलब जो उन्होंने कर तो लिया लेकिन अभी वो जागृत नहीं हुई है, जागृत उनको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, और सभी का लाइव चलेगा, लाइव के अंदर ही सभी की जागृत होंगी, जितने भी जो भी सिद्धि वगैरह है, जो भी जिसकी भी जिसने जो उपासना कर रखी है तो वो उसी में जागृत होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखे तभी समझ में आएगा क्या बताया भैया ने, अगर थोड़ा सा ऐसे ही करके देख लिया तो फिर उसका समझ में नहीं आएगा आपको अच्छे से कि भैया ने क्या बताया आपको, क्या नहीं बताया। ठीक है, तो सबसे पहले भंडारा 18 अप्रैल को हो गया, उसके बाद बाबा बालकनाथ जी का केक कटेगा। ठीक है, बड़ा केक काटेंगे, छोटा नहीं काटेंगे। उसके बाद बाबा बालकनाथ जी के रोट का भोग लगेगा। ठीक है, रोट के भोग लगने के बाद आपका भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। भंडारे के बाद जैसे जैसे आप भंडारा चलता रहेगा और धीरे धीरे जैसे दो दो तीन तीन बंदों को सिंगल सिंगल करके सभी के ऊपर शक्तिपात होगा। तो जिसके अंदर जो भी कोई जैसे कि आधा अंश बचा हुआ है मलिनता का या और कुछ जो भी प्रेत का जो भी अंश वगैरह बचा हुआ है, ठीक है, तो वो सारे उसके अंदर ही मैं कोशिश करूँगा कि उनको बिल्कुल ठीक करने की। ठीक है, बाकी आपको अपना जाप कंटिन्यू रखना है। ठीक है, वो मैं मेरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। मैं बाबा महाकाल जी से प्रार्थना यही करूँगा, शनिदेव महाराज से, साबर पीर महाराज जी से कि जल्दी से जल्दी उनको ठीक किया जाए और ताकि उनका शरीर जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो। ठीक है, और ये डेली का दर्द वगैरह जो भी प्रेत के कारण जो पीड़ा होती है तो या फिर जिसका सिर वगैरह हिलता है, ठीक है, तो सुनील भैया नहीं चाहता किसी का सिर हिले। ठीक है, और ये पेशी वाला सिस्टम बने, मैं नहीं चाहता किसी को, और आपको पता ही है मैं ये पेशी का विरोधी हूँ। ठीक है, पेशी वगैरह से मेरे को सख्त नफरत है, तो यही चाहूँगा कि भाई पेशी वगैरह ना बने किसी के अंदर और अच्छे से अपनी एक नॉर्मल लाइफ जिए बंदा। ठीक है,
और क्योंकि ऐसा ही है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि भाई इसके अंदर प्रेत है, कोई बोलेगा माता है, तो हम ऐसा काम क्यों करें भाई कि हम शेर लाएं, ये करें वो करें। तो यही कहूँगा कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा माँ काल धाम के अंदर, और बहुत सारे बंदे ठीक हो चुके हैं, बहुत सारे बंदों के शरीर मिलने बंद हो गए हैं, बहुत सारों की तंत्र क्रियाएं जो थी वो कटनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि बहुत सारों के बंदों की तो क्रिया कट चुकी है, ठीक है, तंत्र क्रियाएं जो है वो कट चुकी हैं। और बस यही था, और साथ में क्या क्या लेके आना है वो भी मैं बता देता हूँ। हमारी जोत चलती है अखंड, ठीक है, घी की और तेल की। और ये तो सिंपल सी बात है कि भाई घी और तेल की जोत चलती है, तो जिसकी श्रद्धा वो घी और तेल लेके आ सकता है, ठीक है, और बस यही है, और कुछ नहीं लेके आना। अगर आपकी इच्छा है तो आप लेके आ सकते हैं, नहीं तो किसी के ऊपर कोई फोर्स वगैरह की वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अखंड जोत जलती है, यानी 24 घंटे जोत जलती है, और ये तब तक जोत जलती रहेगी जब तक महाकाल धाम रहेगा, तो ये अखंड जोत जलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। और क्या बताना था आपको, बस यही था मेन टॉपिक हमारा, और इसी से आप सभी इनविटेशन कार्ड वगैरह जो भी है भंडारे का नोता जो भी होता है, तो इसी से आप वीडियो के माध्यम से स्वीकार करें सभी। कभी भाई ये को भाई ये कभी कोई ये भाई सोचे या कोई बहन ये सोचे कि भैया मेरे पास पर्सनली फ़ोन करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप वीडियो के माध्यम से आपका ये मैंने एक कार्ड डाल दिया है, ठीक है, जो भी है, लेकिन भंडारे का कोई नोता नहीं होता है वैसे, ठीक है, भंडारे के अंदर तो बराबर होता है सब कुछ, उसके लिए कोई नोता वोता नहीं होता। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भंडारे के दिन आप सभी आए और अपना भोजन ग्रहण करें, और यहाँ धाम पे सेवा भी दे, और यही कहूँगा जैसे कि भाई सेवा भी देनी चाहिए आपको, जैसे कि आपने भाई खाना वाना खा लिया तो आप दूसरों को भी खाना खिलाएं, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा उसी में अपनी सेवा भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बंदे वगैरह जो भी हैं हम एडजस्ट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको भी सेवा करनी है, ठीक है, तो धाम के अंदर सेवा भी करनी है, पानी पिलाना, चाय पिलाना बंदे को, मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई आप ये काम करो, ठीक है, तो ये बात सभी के लिए लागू है, ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और भंडारे के लिए आपको मैं यही कहूँगा कि आपको पसंद आएगा हमारा जो भी है बनाया हुआ सारा सिस्टम, ठीक है, तो इसी के लिए हम अब बस मैं अब कोई वीडियो नहीं डालूंगा, सीधा अब 18 अप्रैल को ही वीडियो डलेगी, ठीक है, तो ये हमारी अभी साधना के बीच में अभी ये हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है, तो अब जो वीडियो आएगी या तो 17 तारीख को आएगी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, या फिर 18 तारीख को ही हमारी वीडियो डलेगी, इससे पहले कोई वीडियो नहीं डलेगी, ठीक है, तो सभी को तब तक के लिए जय श्री महाकाल, और या साबिर हक्षाबीर, जय शनिदेव, ओम सर्वाय नमः, जय बाबा पुनारी, जय बाबा बालकनाथ जी, जय पीरा दी, जय मस्ता दी, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, जय श्री महाकाल।